बच्चों आपको पता है संत कौन होते हैं? नहीं। संत वही होते हैं जो बातों बातों में जीवन के सत्य को सहजता से समझा दे। संत वो होते हैं जो दृष्टांतों से दुख को हल्का कर दे, जीने की चाह जगाए, प्राणी मात्र के जीवन को प्रेम करना सिखाए। संत वो होते हैं जो समाज को शांति के साथ उन्नति के पथ पर ले जाए और मनुष्य को भावनात्मक आत्मनिर्भरता प्रदान करें और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो कभी विचलित नहीं होते। विचलित नहीं होते मतलब? विचलित नहीं होते मतलब कभी निराश नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते। तो क्या जो संत होते हैं उनको कभी गुस्सा नहीं आता? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोगों को गुस्सा आता है? इससे 2 किलो गुस्सा आता है। अच्छा आपको कब गुस्सा आता है? जब मैं टीवी देखती हूँ और मेरी माँ मुझे बोलती है क्या तू रोज रोज टीवी के सामने बैठी रहती है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब बाबा मुझे खेलने से मना करते हैं तब। जब मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं तब। जब अकेले मुझे जाने नहीं देते तब। हाँ बहुत आता है गुस्सा जब हमारे हाथ से हमारा फोन छीन लेते हैं। मतलब आप लोगों को लगता है कि आपके माँ बाप ही आपके दुश्मन हैं, तुम्हारी मर्जी का कुछ करने नहीं देते इसलिए गुस्सा आता है। इसका मतलब तो तुम सब भी बूझो जैसे हो। बूझो? हाँ तुम्हारे जैसा, तुम्हारी ही तरह, तुम में से ही एक। हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर बिखरा हुआ यह घना जंगल जहां प्रकृति दोनों हाथों से अपना धन लुटा रही हो, जहां की गलियों में बादल लुका छुपी खेल रहे हो, गगनचुंबी पेड़ों की शाखों पर परिंदों का चहचहाना हो, जहां पेड़ों को पूर्वज माना जाता हो, जहां सदियों पुराने शिवालय की घंटियों में आस्था गूंजती हो, जहां श्रम को संगीत और संतोष को विकास माना जाता हो, ऐसे जंगल के बीच पल रही बंगारू जाति के कबीले में रहता था एक लड़का। जिसका नाम था और मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा हूँ। आजा आजा ध्यान से। माँ एक सवाल है। बूझो। हाँ वही तो बूझो। कोई भी चीज आसमान में उछालते हैं वो नीचे ही गिर जाती है, पर आसमान नीचे क्यों नहीं गिरता? बूझो। हम पैर से चलते हैं, परिंदे पंख से उड़ते हैं, बादलों के पास तो ना पैर है ना पंख, तो वो कैसे चलते हैं? नदी जो हमारे गांव से जोरों के गांव जाती है वो वापस क्यों नहीं आती? एक भी सवाल और पूछा ना बूझो। बूझो का दिन यूं मौज मस्ती और सवालों में बीतता और रात
बूझो की रात और एक रात बछड़ा ले गया मेरा बछड़ा, बुझारो मेरा बछड़ा। भाग ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चलो। आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब अब हर पल खतरा है। आज वो बछड़ा ले गया है, कल बच्चा भी ले जा सकता है। अब हर घर अपनी बाढ़ खुद बनाएगा। तो तय रहा, जैसा कि बड़े बंगारू ने कहा, सब घर के आसपास बाढ़ बनाएंगे, अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे, आदमी और औरत सब झुंड में रहेंगे, मदद की आवाज पर सब बाहर निकलेंगे, ढोल और हथियार अपने दरवाजे पर रखेंगे। बाघ घर में ना घुस पाए। जंगल तो उनका भी घर है, तुम तो उनके घर पे रोज जाते हो। पर मैं वहां जाकर उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पता है कल रात बाघ बछड़ा ले गया, आज तुम्हें ले गया। तो ऐसे कैसे ले जाएगा, बूझो नाम है मेरा, बुजारो का बेटा हूँ। बुझो आज के बाद जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। और तुम जाओगे? हाँ। बड़े हो मेरे बाबा, इसलिए क्योंकि मैं बाघ का सामना कर सकता हूँ। मैं भी बाघ का सामना कर सकता हूँ। क्या हुआ? अरे देख कर चला करना बुझो, लगा माँ खड्डे क्यों होते हैं? खड्डे होते हैं तभी तो हम चलना सीखते हैं बुझो, जिंदगी में सारे रास्ते सीधे नहीं होते। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब लड़ना बाघ से। पर मैं बड़ा कब होऊंगा? इस भाले जितना बड़ा होगा ना तब। मामा मैं देखू भाले जितना बड़ा हो गया। शैतान 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 शैतान। ये बाबा मेमने के गले में घंटे क्यों बांध रहे? ताकि ये सुरक्षित रहे, अगर ये दौड़ेगा तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो पता चलेगा ये आसपास है, मतलब सुरक्षित है।
मुझे लगा बारिश बहुत तप रहा है। खतरा है, क्यों निकला? फिर निकलूंगा, नदी में नहाना है मुझे, फल खाना है, खेलना है। आज के बाद जो भी करना है घर पे करना है, चल। तो घर में नदी कहाँ से लाओगी? चुप, एकदम चुप। बुरी हो तुम, बहुत बुरी, और बाबा भी। हाथ दे। नहीं। हाथ आगे कर। नहीं। कोई तुझे ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? अब अगर अकेले बाहर गया ना तो पैर तोड़ दूंगी तेरे। मैं क्या गैया हूँ, बछड़ा हूँ, मेमने का बच्चा हूँ। बहू क्या हुआ? अकेला बाहर गया था, बांध दिया उखली से। किसको? पूछो को। ओ, मुझे लगा कृष्णा को। भर के लिए तो मेरी धड़कन ही थम गई थी, मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया होगा। फिर मैंने इसे, चिंता मत कर, तूने जो किया इसकी भलाई के लिए किया। पर ये कहाँ वो समझता है, इसे तो लगता है हम इसके शत्रु हैं। बच्चा है। पर ये समझता क्यों नहीं है? इसलिए तो बच्चा है। ले, आज जंगल से फिर शहद मिला है। चांदनी रात के बाद बड़ा त्योहार है, मैं इसके बारे में बात करूंगा बड़े भंगारों से, और फिर बड़े त्योहार के बाद लक्ष्मी और जोरो को यहाँ बुला देंगे कुछ दिनों के लिए। हमारे बेटे का मन लग जाएगा जोरो के। जो जाके बड़े भंगारों से आशीर्वाद, ठीक है? जय मातंगी माँ मातंगी, जय मातंगी माँ मातंगी, जय मातंगी माँ मातंगी। आओ बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? बुजो। बुजो। तेरे तो नाम में ही सवाल है, यहाँ आओ बुजो। सुना है तू सवाल बहुत पूछता है। क्यों नहीं पूछना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। तू धीरे धीरे बड़ा जो हो रहा है, सवाल पूछने से जानकारी बढ़ती है। पूछो, सुना है कि तूने एक मछली पाली है? हाँ, टिम्ब, लाल रंग की है। वाह, बुझो एक बात बता, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मेरी माँ। माँ। और खाना लाता कौन है? मेरे बाबा। बाबा। और टिम्बू, टिम्बू को कौन खाना खिलाता है? टिम्बू को
मैं। अरे वाह, मतलब तुम तो टिम्बू के माँ बाप हुए। तो बूझो एक बात बताओ, तुम अपने टिम्बू को पत्थर की ओखली से निकाल के तालाब में क्यों नहीं छोड़ते? तालाब में? ना ना। क्यों नहीं? तालाब में उसे बड़ी जगह मिलेगी, नए दोस्त मिलेंगे, खेलने मिलेगा। टिम्बू अकेला नहीं रहेगा। और बड़ी मछलियां उसे खा जाएंगी तो? और तुम अकेले बाढ़ से बाहर गए और बाघ ने तुम्हें खा लिया तो? ये माँ मातंगी का आशीर्वाद है, इसे कभी मत निकालना वरना। तो घंटी उतार देते हैं। नहीं उतार सकते। क्यों? माँ मर जाएगी तो? ऐसा किसने कहा? सब कहते हैं, माँ ने भी कहा और बड़े बंगारों ने भी कहा। धत, सब झूठ। ये सब बड़े बड़े हमें बड़ा बड़ा झूठ कहते हैं ताकि हम डरे और घर से बाहर ना निकले। ये क्या कर रहा है? माँ मर जाएगी तेरी। देखा कुछ हुआ तो? फिर अब तो मानेगा ना मेरी बात? तो चल निकाल घंटी। बड़े बंगारू ने ही अच्छा किया, आशीर्वाद के नाम पर दोनों को कमर बंद ही बांध दिया। हाँ, हमेशा बचता रहता है। मुझे लगा जोरो है। वैसे मेरा जोरो मेरा कहा कभी नहीं टालता। मैं कहती हूँ घर से बाहर नहीं जाना तो नहीं जाता। चल चल, जल्दी चल, तेज। मैं जो कहती हूँ वही करता है, मेरी मर्जी में है वो। माँ बाप की मानेंगे तो खुद की मर्जी की कब करेंगे, है कि नहीं? हाँ चल, ऐसे चलने से चलते हैं। चल। हाँ बुझो, चल चल चल, पानी में चलते, चल। कहाँ गए? बुझो, लक्ष्मी, क्या हुआ? बच्चे नहीं है, तू जल्दी से सबको खबर कर, बाहर बाघ मंडरा रहा है, जो
उठी मैं बाहर और गुजारों को जल्दी से बुला। देख, मुझे एक मिली। गुजो, गुजो को देखा क्या? नहीं। गुजो को देखा? गुजो, गुजो! देख, मुझे भी मिली। सुनो, सुनो सब, वो बुझो और जोरो नहीं मिल रहे। चलो जल्दी, चलो। बुझो, जोरो, बुझो, बुझो। तेरा कहा बिल्कुल नहीं डालूंगा, खुद को ओखली से बांध लूंगा।
सारे शरीर पे घंटियां बांध लूंगा। चाहे भाला जितना बड़ा हो जाऊं पर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा माँ। अब तू भी तो कुछ बोल। क्या? कि चाहे तू जितनी भी बड़ी हो जाए मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। जोरो, माँ बाप बाढ़ बांधते हैं, नियम बनाते हैं, डांटते हैं, वो तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए नहीं बेटा, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जब तक तुम बड़े न हो जाओ बाहरी खतरे से और भाग से सुरक्षित रहो। जय मातंगी, जय मातंगी, मातंगी। तो बच्चों बताओ, क्या बूझो के माँ बाप बूझो के दुश्मन थे? नहीं। क्यों? उन्होंने भी तो बूझो को रोका था। बाहर बाघ का खतरा था इसलिए। शाबाश बच्चों, कहानी के बाघ की तरह आपके आसपास भी खतरे का बाघ है, जैसे कुछ बुरी आदतें जो बच्चों को बिगाड़ती हैं, ललचाती हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, आजकल तो सब उसे अपना दोस्त मानते हैं। हाँ, उसका सदुपयोग हो तो जरूर विकास होता है, लेकिन अगर दुरुपयोग हो तो विनाश पक्का है। दोस्त बुरे नहीं होते, दोस्त भगवान के भी थे, लेकिन कुछ ऐसे जोरो जैसे नादान ना समझ दोस्त जो ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, शहद के नाम पर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और माँ बाप को दुश्मन बना देते हैं, उनकी दोस्ती से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हिम्मत, प्रेम और करुणा का दूसरा नाम है माँ बाप। तो जिनका खुद भगवान आदर करते हो तो हम कौन होते हैं उनका अनादर करने वाले हैं? तो माँ बाप की बातें माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। शाबाश।